नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। एसटीटी कॉमर्स के परिणाम की घोषणा जल्द होने वाली है और अगर इसका परिणाम जारी हो जाता है तो बहाली नहीं रुकेगी, बहाली तेज तेज गति से आगे बढ़ेगी। किसी प्रकार का अगर पटना हाईकोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है तो बहाली की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। बीएसईबी आनंद किशोर ने किया बड़ा ऐलान। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कशिश न्यूज के माध्यम से कि एसटीटी कॉमर्स के परिणाम की घोषणा जल्द होगी और एक सप्ताह के अंदर जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरी खबर आ रही है कि बहाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे नियोजित शिक्षक। ये बात कही जा रही है कि जो बहाली की परीक्षा है उसमें जो है नियोजित शिक्षक जो है वो शामिल नहीं होंगे, ऐसी बात जो कही जा रही है। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि बहाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे नियोजित शिक्षक, यानी कि नियोजित शिक्षकों ने हाथ खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि भाई वो यूपीएससी के माध्यम से किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। सरकार उन्हें बार बार परेशान कर रही है परीक्षा देने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि वो 15 सालों से जो है विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे में अब वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनकी सीधी बहाली की जाए। दूसरी ओर खबर आ रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक आवश्यक सूचना भी जारी की गई है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण दे सकते हैं। कि अगर आप अपने प्रमाण पत्र तैयार कर रहे हैं तो इन प्रमाण पत्र को तैयार करने से पहले ये सूचना जरूर आप देख लीजिए कि प्रमाण पत्र से संबंधित यह है आवश्यक जानकारी। और जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहेगी, स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थी से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राजधीन सेवाओं से देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ लिख लिया है कि राजधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। राजाधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दिया होगा। दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% क्षतिज आरक्षण जो होगा दे होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में दे सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2% क्षतिज आरक्षण दे होगा। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% क्षतिज आरक्षण दे होगा। और WBC पिछड़े वर्ग की महिला का तात्पर्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% आरक्षण दे होगा जो 35% क्षतिज आरक्षण के अतिरिक्त होगा। तो वही तमाम जानकारियाँ जो है वो दे दी गई हैं और अगर आप आवेदन करने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिए इसे कि महिलाओं को क्या सुविधा दी जा रही है, इसमें कितना आरक्षण दिया जा रहा है और कौन कौन से प्रमाण पत्र कैसे आपको तैयार करने हैं, तमाम जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।